हिमाचल प्रदेश के पंचायत चौकीदार संघ ब्लॉक नगरोटा सूर्या के विश्राम गृह ज्वाली में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष कमल कुमार ने की, जिसमें ब्लॉक की समस्त पंचायतों के चौकीदारों ने भाग लेकर मांगों पर मंथन किया। संघ के ब्लॉक अध्यक्ष कमल कुमार ने कहा कि पंचायत चौकीदार पंचायतों में पिछले करीबन 40 सालों से कार्य कर रहे हैं, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ड्यूटी देते हैं और सरकार की योजनाओं व अन्य सूचनाएं लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज तक उनके बारे में कोई नियमितीकरण पॉलिसी नहीं बनाई गई। उनको मात्र 4800 रुपये ही वेतनमान प्रतिमाह दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चौकीदारों के लिए कोई भी स्थायी नीति ना होने से कई पंचायत चौकीदार नियमित होने की आस में रिटायर भी हो गए हैं और कई होने वाले हैं। इतने कम वेतनमान में महंगाई के दौर में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने एसडीएम ज्वाली सलीम आजम के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन सौंपा है व मांग की है कि पंचायत चौकीदारों के लिए अति शीघ्र नियमितीकरण की पॉलिसी बनाई जाए और उनका वेतन दैनिक वेतन भोगी के समान किया जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इस मौके पर एसडीएम ज्वाली सलीम आजम ने कहा कि पंचायत चौकीदार संघ ने मांग पत्र दिया है, जिसको अतिशीघ्र मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। पंचायत चौकीदार संघ ब्लॉक नोटा सुनिया की मीटिंग ज्वाली के विश्राम गृह में हुई, जिसमें हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि पंचायत चौकीदार के लिए पॉलिसी बनाने के बारे में। पंचायत चौकीदार कई वर्षों से कम से कम चालीस वर्षों से पंचायतों में सेवाएं दे रहे हैं, तो मात्र हमें 4800 रुपया दिया जा रहा है, जो कि आज की बढ़ती हुई महंगाई में बहुत कम है, जिससे हमें परिवार का बच्चों का पढ़ाई लिखाई करने का बड़ी मुश्किल हो गया है, जिसमें पंचायत चौकीदार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पंचायतों में अपनी कार्य कर रहे हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।